सरस्वती पूजा 2021 में महोदा क्षेत्र के सबसे अच्छे पंडाल बनाए हैं, जो कि महोदा के सेवाग्राम, जो कि महोदा। तो बने रहे मेरे साथ, चलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये BCCL के जो कॉल ब्लॉक सब होते हैं, कोयला को कैसे निकाला जाता है, ये मुरलीडी बी से के स्पीड्स का जो दृश्य बना हुआ है। तो ये देख रहे हैं कोयला पीछे साइड में, हर एक छोटी से छोटी दृश्य को दिखाया गया ताकि आपको सेम टू सेम क्लॉक ब्लॉक जैसा लगे। जैसे देख रहे हैं मैथुर अपने कोयला छूट रहे हैं, उसके बाद साकिल में लाद के चोरी भी हो रहा है, वो भी दृश्य दिखाया गया है ताकि कॉल ब्लॉक लगे, जो कि खदान से कोयला को उठाकर इसी मिक्सिंग मशीन पे जाता है। और ये जो खदान से उठने के ट्रोली का नियम नीचे से होता है, वही जो लाल कलर के दिख रहे हैं, ये सब लोहे का होता है। अब यहीं से कोयले के उठाकर आप ऊपर की ओर जो जा रहा है, वो ऊपर में जाकर छोटे छोटे टुकड़े में चेंज होकर जो वो आग में छोटे छोटे गाड़ी दिख रहे हैं उस पर लगा कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अब चलते हम लोग खदान के अंदर की ओर। तो चलते खदान के बहुत ही अच्छा, कम से कम 20 फीट नीचे दिख रहा है। अब आगे जाकर देखते हैं क्या है। छोटी छोटी लाइट लगाया गया है, सेम जो खदान के अंदर जो कोयले निकालते हैं उसी का दृश्य बनाया गया है। दिखाई दे रहा है कि कोई मजदूर कोयले को निकाल रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े पे, और ऊपर में छोटी पाती लाइट दिया है ताकि मैथुर देख सके, वो हाथ में सावल। अब चलते थोड़े आगे में, देखिए कुछ आगे में, और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा लाइट दिया गया है। खदान के अंदर दृश्य बनाया गया है जो कि, और ये सीढ़ी उठने का है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सरस्वती माँ या उनकी मूर्ति कहाँ पर रखी है, तो देख सकते हैं ये भी जो कोयले की खान होता है निकालने का जो गली होता है, उसी जगह माँ सरस्वती का मूर्ति रख दिया है, ऊपर से लाइट दे दिया है। देखिए आगे तरफ और एक गली है जहाँ दूसरा मजदूर भी ऊपर में बहुत इसी तरह लाइट रहता है खदान के अंदर लगाए, ताकि मजदूर कोयले को आराम से चुन सके। जो देख रहे हैं मजदूर की कलाकारी, ये बहुत ही अच्छा दृश्य बनाए हैं। मैं युवाओं को जो खदान नहीं जा पाते हैं उसके लिए स्पेशल देख सकते हैं। और ये उठने का सीढ़ी जो जिस तरह से हम खदान के अंदर उठने का सीढ़ी होता है, जो गली होता है, सब उसी तरह छोटे। तो नीचे इसमें बहुत अच्छा दृश्य था, ऊपर में और एक बार दिखाना चाहते हैं किस तरह मजदूर अपने कोयले को लेकर जाते हैं। मजदूर BCCL के वर्कर काम करते हैं, सेम उसी तरह बनाया गया है जो BCCL में होता है। ये जो कॉल ब्लॉक है बहुत ही सुंदर बनाया गया है। इस एरिया का सबसे अनोखा पंडाल यही था। तो अब चलते हैं, कितना दिन लगा पूछते हैं। और ये इस वर्ष महोदा सेवाग्राम में सरस्वती पूजा के रूप में ये रूपरेखा दिया गया है। यहाँ पे मुरलीडी कॉलियरी का एक कॉल डंप है, उसी को इस वर्ष पूजा पंडाल के रूप में दिखाया गया। सेवाग्राम में लगभग 20 फीट जमीन खोदकर यहाँ के सदस्यों ने इस वर्ष सरस्वती पूजा के रूप में इस यहाँ पूजा पंडाल का रूप दिया है। और वीडियो के जरिए आप लोगों को दिखाया कि यहाँ के लड़के किस तरह से मेहनत किए, लगभग 25 दिनों के मेहनत के बाद यहाँ पे इस पंडाल की तैयारी की गई। और मैं चाहूँगा कि मुरलीडी के जो GM है या तो जो भी ऊँचे पदाधिकारी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी आएं और यहाँ पे जो रूपरेखा मुरलीडी कॉलियरी को जो यहाँ पे सेवाग्राम में एक छोटा सा प्रदर्शनी एक मॉडल के रूप में दिखाया गया है, तो आप भी आएं। और ये जो मुरलीडी का जो कॉलियरी का जो रूप में छोटा सा रूपरेखा हम लोग दिए हैं यहाँ पे जो सेवाग्राम की टीम या तो फिर सदस्य जो भी मेम्बर जो लगातार 25 दिनों की मेहनत करने के बाद यहाँ पे जो रूपरेखा दिया गया है, तो आप लोग इसको आके जरूर देखें और यहाँ के लड़कों से मिले कि किस तरह से ये लोग मेहनत किए हैं और कितने दिनों लगा बनाने में ये मूर्ति। ये जो पूजा पंडाल है यहाँ पे लगभग 20 फीट अंदर नीचे गड्ढा कर जमीन खोद कर यहाँ के लड़के 25 दिनों में ये पंडाल की तैयारी किए हैं। तो
आप लोग जरूर से जरूर इस पंडाल को देखें। धन्यवाद।